विनोद नागवंशी जी, क्या माना जाए जिस तरह से आप लोगों की तरफ से ये समझा जाए, अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो पत्थलगड़ी की शुरुआत हुई है और उन क्षेत्रों में जो अब नक्सल प्रभावित नहीं है, खासकर अगर जशपुर की बात कर रहे हैं, तो क्या माना जाए, शुरुआत तो की है लेकिन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वाकई ये अवैधानिक है, धार्मिक है या फिर कुछ और? जी विनोद जी, विनोद जी आवाज पहुंच रही है आप तक? बता दूं कि अभी जो मीडिया ने ला जी पहुंच गई, ये जो मीडिया ने लाया उसके लिए एक तो अच्छी बात कि आप लोगों ने उठाया बात को, लेकिन पत्थलगड़ी का विषय आज से नहीं है। 1992 में पहला पत्थलगड़ी जगदलपुर जिला में हुआ था, जिसको आज भी पारंपरिक से लोग मौली माता के जो होता है दंतेवाड़ा में उसके 2 दिन पहले पूजा पाठ करते हैं, जिसमें उस क्षेत्र के सभी निवासी करते हैं। वैसे ही धमतरी जिला में नगरी में कई जगह पत्थलगड़ी हो चुका है, जगदलपुर कई जगह हो चुका है और सूरजपुर जिला में प्रतापपुर और उड़गी जिला के ब्लॉक के कई गांव हो चुका है। अभी जसपुर में जब हुआ है 3 जिलों में, तो शायद मीडिया पहुंच गई तो ये बात सामने आई है। पत्थलगड़ी में ऊपर में स्पष्ट लिखरता है भारत के संवैधानिक उपबंध 5वीं अनुसूची, जिसके तहत 9वीं सूची में जाना जोड़ा गया था 1993 में जब गांव गणराज्य की स्थापना की गई। उसके बाद 96 में जब पेशा एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया जब लाया गया, तो उसमें निर्देश था कि शेड्यूल एरिया में रूढ़िजन्य तरीके से अपने पारंपरिक तरीके से ग्राम सभा के माध्यम से अपने सामाजिक परंपराओं का संरक्षण और विकास करते हुए ग्राम सभा अपना संपादन करेगी और साथ ही गौण खनिज से लेकर जो वहां के आसपास के जो बाजार है, ऋण है, इस सब पर भी अधिकार देने का 9वीं अनुसूची में संवैधानिक अधिकार दिया गया है। और आजादी के आज तक ये देखा जाता है कि उन अंचलों में ना विकास की कोई बात पहुंची नहीं है और सुदूर अंचल में आदिवासी अगर आज संविधान की किताब लेके बैठे हैं तो लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी बात होनी चाहिए। जिनको कहीं ना कहीं पिछड़ गए लोग कहते हैं, आज संविधान की बात तो कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों में संविधान की बात के बजाय अपने अधिकारियों की बात करते हैं। मैं बता दूं, जब जब ट्राइबल समुदाय या जंगल के लोग आते हैं तो जल जंगल के कौन है वासी, आदिवासी कहते हैं और कहीं ना कहीं वो रोड, सड़क, बिजली, पानी के बजाय अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर ये मूल समाज जो सदियों से रहते आए हैं, ये पास इनका अधिकार आजादी से पहले से इनके पास है, वो वंचित हैं, तो कहीं ना कहीं तो अपना समालोचना भी समाज करेगी। अब ग्राम सभा कर रही, वहां कोई आदिवासी समाज के साथ जो वहां रहते उनका भी कहीं ना कहीं सहमति रहता है, उसके बाद वो सीमांकन कर रहे हैं। जैसे नगरीय निकाय सीमांकन होता है, थाना परिक्षेत्र का सीमांकन होता है, पहले शासकीय सीमांकन में वहां की जनसंख्या लिखी होती थी, अब उस संविधान में बार बार बताने के बाद ये महसूस किए कि आज भी कलेक्टर, एसपी, एसडीएम 5वीं अनुसूची के बारे में गंभीर बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार निर्देश जारी कर चुका है, समता जजमेंट कई बार निर्देश जारी कर चुका है कि 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट का पूर्णतः पालन हो, इस क्षेत्र का विकास हो, लेकिन सरकारें बदलती रही, दोनों सरकारें पे आरोप है। हर बार आदिवासी अंचलों का विकास करने का बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन इसे जन विद्रोह भी कहा जा रहा है। आज वो समाज जो बड़ा शांत होता है, विनोद जी, इसे जन विद्रोह भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये जन विद्रोह है, अगर इसको अनदेखा किया गया तो बहुत ही भारी पड़ने वाली है परिस्थिति। कौन किस नजरिए से, पारुल जी, कौन किस नजरिए से देखता है ये उनका नजरिया हो सकता है, लेकिन आदिवासी समाज आहत है, अपने ही देश में कहीं ना कहीं अधिकार से वंचित है और संविधान को लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर बात कर रहे हैं, इसका सम्मान तो पूरे देश को करना चाहिए, राजनीतिक पार्टी को, सत्तारूढ़ पार्टी करना चाहिए, क्योंकि हमारा आरोप हमेशा प्रशासन शासन के अधिकारियों पे होता है, लेकिन अधिकारी सरकार के अनुसार चलती है, सरकार बदलती रही, आदिवासी की वोट दोनों तरफ बदलती रही, लेकिन आज भी उनकी जनता वो आज भी उसी बुरा हाल में है। तो आज वो रायगढ़ जैसे जगह में जहां ट्राइबल सिटी एरिया में ट्राइबल का जमीन बिक नहीं सकते बोलते हैं, वहां कई प्राइवेट प्लांट आ गए, जो एक गंभीर विषय है। नागवंशी जी, अगर आयोग है तो इस तरह से विरोध करने का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है, इसे विरोध कहें या फिर कुछ और कहें, आपकी आपकी तरफ से? मेरा बताना है, आयोग भी कहीं ना कहीं सरकार के अधीन होती है, आयोग के लिखे पत्रों पे कई बार कार्रवाई होती नहीं है, चाहे विषय रायगढ़ का हो, बस्तर का हो या विषय कोरबा का हो। शेड्यूल एरिया में इतने खनिज संपदा ऑन रिकॉर्ड पे है कि यहाँ से लोहा, कोयला, टीना पूरा और जल जंगल की जमीन पूरी जाती है, वो जमीन कहीं ना कहीं आदिवासियों की रही है भारत की आजादी के पहले से, जो शेड्यूल घोषित है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स 2% रॉयल्टी शुड बी गिवन टू देम, लेकिन आज तक
सभी सरकारें बदलने के बाद बड़े बड़े मंत्री खोखली घोषणाएं करते हैं कि आदिवासियों के विकास के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और छोटी छोटी बेमतलब की चीज बांटने की प्रयास करते हैं। आज भी आदिवासियों को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं दिया गया है। रही संविधान की बात, तो लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि होता है, यहां उन्माद बहुत सारे धर्मों का भी होता है, लेकिन अगर ग्राम का सभा को उन्नत और सम्मत बनाने की कोई प्रयास ग्रामवासी कर रहे हैं तो उसमें अचानक किसी को पीड़ा क्यों हो रही है? और कहा यह भी जा रहा है ना राघवंशी जी कि अगर आप लोगों ने पत्थलगड़ी की शुरुआत की है और जिस तरह से बात की जा रही है कि सरकारी अधिकारियों को या फिर योजनाओं को लेकर अगर बातचीत करने कोई भी आएगा तो उन्हें अन्य लोगों को बाहर के लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। हाँ हाँ नहीं नहीं मैडम सुनिए ना, पहले पहले पहली बात यह है कि 70 साल में आज तक उन अधिकारियों ने पढ़ा क्यों नहीं। 96 से लागू है, आज भी मैं चैलेंज करता हूँ किसी कलेक्टर एसपी या एसडीएम को पूछ दे बता नहीं पाएंगे। उसमें साफ साफ लिखा है पांचवी सूची में प्रशासन और नियंत्रण अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए, इसकी व्याख्या आज तक किसी ने नहीं किया। ठीक है जी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं तिवारी जी के पास जाऊंगे। एक मिनट सुनिएगा, चाहे रेल बने, चाहे डैम बने, अभ्यारण बने, शेर दिखे या सड़क बने, हमेशा आदिवासी विस्थापित होते हैं। शहर की कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, राजधानी की बड़ी बड़ी सड़कें बना के अगर विकास की दावा ठोकने कोई दावा करते हैं तो सबसे पहले उन अंचलों में जाए जहां से संसाधन भरपूर है, लेकिन वो लोग आज भी गरीब हैं। अगर पत्थलगड़ी की बात करें, मैं बता दूं सर्व आदिवासी समाज लगातार इस प्रदेश में एक साल में 5 बार राज्यव्यापी आंदोलन किए हैं ब्लॉक स्तरीय। अभी पिछले 2 माह पहले फरवरी में बस्तर संभाग के कमिश्नर के साथ, आईजी साहब के साथ, पूरे कलेक्टर एसपी थे, बैठ के चर्चा हुई, संविधान की किताब निकाल के हमारे युवाओं ने किताब के एक पन्ना लेके पढ़ा के बताया गया कि ये संविधान में लिखा है सर, और आज तक कमिश्नर साहब ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। ठीक हमने है। उस शर्त पे अपने धरना आंदोलन को बंद किया था कि इसकी समुचित कार्रवाई किया जाए, तो इसको अगर आप आंदोलन कहते हो तो लोकतांत्रिक तरीके से करते हुए आंदोलन के खिलाफ अगर कोई अवैधानिक करता है तो मैं पहले उसकी वैधानिकता को जांचना चाहूंगा कि जिस राज्य में मूल निवासी है, शेड्यूल एरिया है, उनके बारे में आज तक चिंतन किए बगैर आप विकास की कौन सी बात कर रहे हैं? श्रीवास जी, ठीक है, नगवंशी जी, श्रीवास जी जवाब देंगे इस बात का। जी श्रीवास जी, ठीक है, नगवंशी जी, श्रीवास जी जवाब देंगे इस बात का। जी श्रीवास जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो शुरुआत है छत्तीसगढ़ से नहीं हुई थी, इसके पहले भी ये मामला खूंटी जो है जहां से कड़िया मुंडा जी चुन के आते हैं, झारखंड में हो चुकी है, लेकिन वहां के जितने भी संप्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने इस मामले का हल निकाला था। नागवंशी जी लंबी चौड़ी यहाँ पे व्याख्यान दे रहे हैं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से आज मैं सवाल करता हूँ कि अगर संविधान इस प्रकार की व्याख्या है जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है तो क्या आपने कोर्ट का, माननीय कोर्ट का सहारा लिया? क्या आपने इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गए? आप इस प्रकार के आदिवासियों को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं, आप तमाम प्रकार के नियम कानून बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई सरकार या कोई अधिकारी इस प्रकार के नियम कानून की अवहेलना कर रहा है तो क्या आप माननीय न्यायालय की शरण लिए हैं क्या? तो पहली बात, दूसरी बात, पूरे देश का संविधान देख लीजिए, समानता के लिए आता है लेकिन आदिवासी वर्ग के आप समानता नहीं ला पा रहे ना, लेकिन 15 साल हो चुके आपकी सरकार को, प्रयास पे प्रयास, लेकिन समानता की बात आप सिर्फ कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। तिवारी जी कही अपनी बात। देखिए पारुल जी, सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ तो आदिवासी समाज को बरगलाने की बात और उनके विवेक पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है भारतीय जनता पार्टी कि उन्हें किसी तौर पर भड़काया जा रहा है, दूसरी ओर उनको ये कहते हैं अपने अधिकारों के लिए आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? तो भाई चुनी हुई जनता की सरकार का क्या दायित्व तो बनता है? एक लोकतांत्रिक तरीके से आप जिस प्रकार से तीसरी पारी इस प्रदेश में लगभग 15 वर्ष आपकी सरकार को होने को है, आपने 15 वर्षों में आदिवासियों के उनके अधिकार उनके संविधान के साथ खिलवाड़ क्यों किया? वो कमिश्नर, वो कलेक्टर, वो एसडीएम जो आज इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो आखिर किसके अधीनस्थ कार्य करते हैं? अगर वो एक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते तो आपकी सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी कर क्या रहे हैं? आप सबका विकास, सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, अंतिम छोर तक के व्यक्ति की विकास की बात करते हैं, संवेदनशील सरकार होने का दंभ बरते हैं, तो आखिर आज हमारे आदिवासी भाइयों को इस तरीके से पत्थरगड़ी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस प्रकार से हमारे मित्र कह रहे हैं, अपनी सामाजिक व्यथा बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन 14-15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के साथ खिलवाड़ ही किया है। निश्चित तौर पर इस
देश में पेशा कानून एक एक्ट बना हुआ है और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट है। अगर इन दो कानून का ही अगर सही तरीके से इस प्रदेश में पालन होता तो नहीं लगता मुझे कि आदिवासियों को इस प्रकार के कृत्यों को करने की आवश्यकता पड़ती जो अपने अधिकारों के लिए वो लड़ रहे हैं एक लोकतांत्रिक देश में। तो आखिर ये मजाक आपने क्यों किया? रायगढ़, कोरबा, सरगुजा इन क्षेत्रों में जिस प्रकार से जमीनों का आपने बंदरबांट किया है कारपोरेट घराने को देने के लिए, तमनार की पिछली घटना बताऊं पारुल जी आपको, जहां पर जन सुनवाई के पहले ग्राम सभा की सुनवाई होनी थी लेकिन ये सरकार ने साजिश करके उसको जन सुनवाई करवाया जिसमें कांग्रेस ने भाग लेकर उसका विरोध किया। तो आखिर आप आदिवासियों की जो उनकी मूल आवश्यकता है उनकी भूमि आज वो उनके ही मालिक हैं, उनको भी अगर आप छीनने का प्रयास करेंगे, अडानी और अंबानी जैसे परिवार को आप अगर कोयला खोदने के लिए देंगे तो आदिवासी भाई बहने करेंगे क्या? वो संविधान का उल्लेख करके अगर अपने अधिकारों को पाना चाहते हैं तो कांग्रेस उनके साथ थी, कांग्रेस उनके साथ है और कांग्रेस उनके साथ रहेगी। जवाब दीजिए। 144 की धारा लगी है मुझे ख्याल से समय कम है तिवारी जी, श्रीवासी को जवाब देने दीजिए। पिछले 2.5 वर्षों से क्यों ऐसा एक लोकतांत्रिक सरकार में, एक रमन सिंह जी की सरकार में ये तो आदिवासी समझ रही सर, आदिवासी वोट बैंक है। आप दोनों ही कितना भी बोल लें लेकिन आदिवासी अब समझदार हो गया, आपके बीच में बैठे हुए हैं और वो भी जानते हैं कि आप क्यों लड़ रहे हैं। श्रीवास जी जवाब दीजिए, इस प्रदेश में घट रही है जिस समाज के साथ, आप जवाब ले लीजिए सर, आरोप लगा लिए, प्रश्न बना लिया, जवाब ले लीजिए। अकेला बोलना चाहते हैं, समय की कमी है, बोलिए, ठीक है, उनको बोलने का अधिकार है। देखिए जिस आपने मुझे पहली बार बोलने नहीं दिया इसलिए मैंने बोला था, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा सर। श्रीवास जी जल्दी से बात रखिए। तो ग्राम सभा के बिना अनुमति के, बिना जन सुनवाई के, बिना ग्राम सभा की अनुमति के तमनार में जो गारो कोल ब्लॉक था उसको निरस्त किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने माननी कांग्रेस के आंदोलन के बाद निरस्त किया। अरे आप लोगों ने लाठी चलवाया, कांग्रेस के आंदोलन के बाद आपने किया है, पूरे ग्राम सभा को आपने वहाँ पे अपनी अपनी इच्छा से नहीं किया, आपने उसको भड़काने का प्रयास किया, वहाँ पे लाठी डंडे चले हैं। आदिवासी भी समझदार हो चुके हैं सर, आपके बीच में बैठे हुए विनोद नागवंशी जी मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों की बातें सुनकर, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि आखिर अंततः कौन उनका साथ देने वाला है, कौन नहीं देने वाला है, या सिर्फ आदिवासियों के मुद्दे पर हमेशा राजनीति होती रहेगी संविधान का नाम लेकर और लोकतंत्र की बातें कर उनके अधिकार जल जमीन जैसी बातें, उनकी तरफ जो हाथ बढ़ाने वाली बातें की जाती हैं उस पर भी उन्हें धोखा मिलता रहेगा, ये खुद आदिवासी समझ रहे हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संविधान में दिए गए अधिकारियों का हवाला दिया जा रहा है पत्थलगड़ी, जिसको लेकर अब आगाज हो गया है छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र जहां आदिवासी इसे अपनी बात रखने की एक पहल भी बता रहे हैं, या फिर कांग्रेस की अगर बात माने तो ये जन विद्रोह है जिससे अब डरना चाहिए, या फिर अगर बीजेपी की बात माने तो अगर ये अवैधानिक है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर इन दोनों की बात माने जो प्रवक्ता दोनों ही पार्टियों के बैठे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा एक के आरोप दूसरे का जवाब, और जवाब में सिर्फ यही था कि ये आरोप नहीं है, और अगर आरोप है तो वैधानिक या अवैधानिक जैसी बातें क्यों हो रही हैं। इसी के साथ आईडिया स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।